नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। जिले के भुना कस्बे में बदमाशों के गैंग ने शराब ठेकेदार के करिंदे के साथ मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। आरोप है कि बदमाश करिंदे के पास मौजूद 24,000 रुपए की नकदी भी छीन ले गए। एक ही सप्ताह में दो बार हुए जानलेवा हमले में जहां एक ओर लोगों में डर और रोष का माहौल देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला शराब के ठेके से जुड़ा है। दरअसल आरोपी भामू गैंग के सदस्य भूना में शराब के ठेके लेना चाहते थे, मगर उन्हें शराब का ठेका नहीं मिला। बस इसी खुंडस के चलते उन्होंने शराब के ठेके पर हमला किया और ठेकेदार के मौजूद कारिंदे से लोहे की राड और हथियारों से पूरी तरह से मारपीट की। मारपीट का वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि भामू गैंग भूना में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और इसी के चलते वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं शराब के ठेकेदार रामफल ने आरोप लगाया है कि आरोपी बदमाश गैंग के सदस्य लॉकडाउन के दौरान अनाधिकृत और गैर कानूनी तरीके से इलाके में महंगे दामों पर शराब बेचते रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। मैं रामफल ठेकेदार पवन कुमार के साथ मिलकर भुना के शराब के ठेके ले रखे हैं और कल शाम न 7:45 के लगभग हर रोज की भांति हमारे करिंदे खैरी रोड भुना से कैश लेकर जब इसार रोड की दुकान पर आए थे कैश लेने के लिए, इतने में 4-5 लड़के जो विक्रम बाम्बू और पंजाबी तो दो तीन लड़के और थे, उन्होंने बोलेरो हमारी गाड़ी के आगे ढाई रातते ही उन्होंने तोड़ तोड़ गाड़ी के साथ शुरू करी और कैश छीन के ले गए। एक बंदे की मेरे की टांग तोड़ गए और उसके बाद ये भाग गए। अपने हथियार ले रहे थे, एक पिस्तौल भी बताया जाता है एक हाथ के में और राड ले रहे थे। तो ये लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने भारी मात्रा में शराब बेची है, जो 300 से 500 रुपये की बोतल लगभग बेची थी। तो अब ये किसी ठेकेदार को पनपने नहीं दे रहे। इनको संबंध पुराने ठेकेदारों से भी जोड़ के देखा जा रहा है, तो ये अब दूसरे ठेकेदारों को यहाँ पनपने नहीं दे रहे हैं और सरेआम छीना झपटी कई लोगों के साथ ये पहले कर रहे करके गए हैं, जो इनसे डर के मारे कई बोल नहीं रहे। थैंक यू जी।